दे। नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ एक बार फिर देख सकते हैं। आप गाड़ी में आग लगी है 21 सेक्टर के पास और आप देख सकते हैं चलते हुए गाड़ी में। आप भाई थोड़ा सा पीछे पीछे इधर ही थोड़ा पीछे रहो, थोड़ा सा पीछे ही रहो इधर। भाई साहब कैसे लगी है? ये इनकी है सर, कैसे लगी है? पता नहीं, मैं गाड़ी लेके आ रहा था और एकदम ब्लास्ट हुआ गाड़ी में। क्या नाम आपका? अनिल। अनिल जी अभी गाड़ी लेके आ रहे थे आप? हाँ। तो अचानक ही लगी? हाँ। और कौन कौन था फिर साथ है? मैं था, मेरा भाई था एक। तो चोट तो नहीं लगी कहीं? ना ना कुछ भी नहीं, गाड़ी में ब्लास्ट हुआ। आवाज आई, हम बाहर निकले देखने के लिए, देखे तो आग चालू हो गई। फोकस मारो ना, आप देख सकते हैं फरीदाबाद बनाली में गाड़ी, आप देख सकते हैं ये सीएनजी गाड़ी है ना, डीजल है, क्रेटा गाड़ी है, 18 मॉडल है। डीजल है जी, सीएनजी वगैरह नहीं है, डीजल है। हाँ, और आप देख सकते हैं डीजल गाड़ी है, सीएनजी गाड़ी नहीं है, डीजल गाड़ी है। और डीजल गाड़ी में आग, चलती गाड़ी में, अभी गाड़ी लेकर आए थे ये और चलती गाड़ी में आग लगी। जैसा कि बता रहे थे कि पटाखा फूटा उसमें और एक साथ ही आग लग गई है। अरे ये आप देख सकते हैं, कितना नंबर, कितना गाड़ी का? H451AB8700। हाँ, 8700। हाँ, 8700। आप देख सकते हैं फरीदाबाद, दो लोग थे, जैसा कि तीन लोग थे। आप भी थे क्या? हाँ जी। क्या नाम है? फैजान। क्या नाम? फैजान। आप कहाँ से आ रहे थे? जी हम 21 से आ रहे थे जी। तो आते आते एकदम भट्ट बोला, जैसे बोला भाई यारों ने गाड़ी रोकी, जब गाड़ी रोकी नीचे देखा था आग लगने लगी थी। फिर मैंने मिट्टी डाली, भाई यारों ने और हमने मिलके मिट्टी डाली, वीडियो बना ली, जबी की जबी अपने आप ही आग लगी है। तो इसका कोई वो नहीं था, क्या नाम है, सिलेंडर होता है जो गैस के लिए बुझाने के लिए? और गैस नहीं, वो नहीं था, वो पता नहीं मेरे को। अच्छा, गाड़ी के बारे में तो उससे बुझी नहीं? नहीं बुझी उससे, उससे बिल्कुल नहीं बुझी, और बढ़ती चली गई आग। नीचे लगी थी? नीचे आग लगी थी अपने आप ही, ब्लास्ट हुआ है अपने आप। क्या नाम है आपका? और उसके बाद फिर ये इतनी तेज हो गई? हाँ, अपने आप ही हो गई, अपने आप ही धीरे 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 आ रहे थे और यही लेबर चौक पे जा रहे थे, यही मेरा घर है लेबर चौक पे। सर कैसे इसमें गाड़ी में आग लगी थी? ब्लास्ट हुआ गाड़ी में एकदम किसी चीज का, हम गाड़ी में से उतरे के देखे तो आग चालू हो गई गाड़ी में। फिर हमने मट्टी भी डाली थी, आग रुकी नहीं। कितने लोग बैठे हुए थे? तीन जने थे। ठीक है? हाँ तीनों ठीक है। मैं ही चला। आप देख सकते हैं फरीदाबाद, तीन लोग थे गाड़ी के अंदर और लाइव देख सकते हैं, लाइव तस्वीर वॉइस ऑफ फरीदाबाद के माध्यम से। डीजल गाड़ी है, क्रिएटा गाड़ी है और दूरी बना के रहो, बस इधर ही रहना। आप इधर देखें, गाड़ी दिखाएं, बस इधर ही रहना, थोड़ा दूरी। आप देख रहे हैं कि गाड़ी कितनी बुरी तरह ये जल रही है सर, ब्लास्ट। और ये जगह, थोड़ा सा पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे रहो। फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया? फायर ब्रिगेड हाथ तो यार कर दिया, कर गया इन्हें। आए नहीं लाइव शेखर भाई, लाइव पीछे चल रहे थे भाई, ये बाइक सर पीछे इन्होंने बचाया, आपकी गाड़ी में आग लगी भाई। जैसे मैं पीछे सांस में धुआं था, मैंने देखा आगे भाई के बीच आग जली, मगर भाई आग लगी, जब ये नीचे उतर भागे, जब उसको बुझाया तो ना बुझ पाई, मिट्टी भी गिरी ना बुझ पाई। क्या नाम है? मेरा आबिद है जी। अभी जी आप इनके पीछे चल रहे थे जो आपने देखा? तो मैं अनखीर गांव से आया था फेरी करके, मेरे कपड़े का काम है जी, मैं इसके पीछे था तो देखा मैंने इस पे आग लगी हुई है, तो मैंने भाई को कहा ये निकल के भागे जाओ, फिर उन्होंने मिट्टी गिरी, फिर यहाँ से इन आदमियों ने ही हमारे को इनको बताया भाई गाड़ी में से फटाफट निकलो आग लग गई है। तो अच्छा हुआ बताया, नहीं तो हो सकता पता नहीं लगता। वहाँ होता है, देख रहे हैं कि चंद सेकंडों में इतनी भयंकर आग हो गई है, तो हो सकता है कि नहीं भी निकल पाते, कई बार लॉक भी खराब हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है जी, किस्मत है ये। पर बहुत अच्छा है कि तीन लोग थे इसमें, तीन लोग थे जैसा कि बता रहे हैं, और तीनों लोग सुरक्षित हैं, बाहर हैं, लेकिन गाड़ी आप देख सकते हैं, गाड़ी के हालात देख सकते हैं आप, गाड़ी तो खत्म हो गई। क्रिएटा गाड़ी है और डीजल की गाड़ी है फरीदाबाद, सबसे बड़ी बात के सीएनजी गाड़ी नहीं है, डीजल की गाड़ी है जैसा कि बता रहे थे अनिल जी। और सर एक और गाड़ी है जिसमें आतात हो सकती है, एक और गाड़ी है उसके पीछे और कतई जस्ट कतई बराबर में है, और वो बचाने के लिए लगाया था उसने, और चाबी मेरे पास है, अब जा रहे हैं देख लो। उस गाड़ी को भी हटा दो। अब देख सकते हैं फरीदाबाद, अनखीर चौक पर, लेबर चौक के पास, अनखीर रोड पर, लेबर चौक के पास, पीछे हो जाओ। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है यहाँ और फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया गया है, फायर ब्रिगेड पहुंचने वाली है। भीड़ देख सकते हैं आप, तमाम भीड़ यहाँ इकट्ठी हो गई है, ये देखिए।
आप देख सकते हैं भारी संख्या में भीड़ यहाँ मौजूद है, भारी संख्या में यहाँ भीड़ है। और एक पानी का टैंकर, पानी का टैंकर आया है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए गाड़ी से आवाज आती हुई, गाड़ी के टायर फट रहे हैं, पटाखों की आवाज आ रही है। और सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग इकट्ठे हैं। और अनखीर चौक है ये, लेबर चौक कहते हैं इसको, अनखीर गांव के पास। चलती गाड़ी में आग लगी अचानक, और देखिए अभी एक पानी का टैंकर जो लोकल सप्लाई करता है, वो पानी का टैंकर है, जो पानी का टैंकर यहाँ आ रहा था, लोगों ने उसको रोक कर और उससे आग बुझाने की कोशिश की जाएगी। और आप देख सकते हैं थोड़ा सा दूरी रखो, इसको दूरी बना के रखना, क्योंकि इसमें तो प्रेशर भी नहीं होगा इतना। अरे आप समझ सकते हैं फरीदाबाद क्या कारण रहा होगा, कैसे आग लगी है इसमें, कि किन कमी की वजह से। और दमकल कर्मियों के पास फोन कर दिया है, बहुत देर होगी और अब तक आए नो, जन को ड्यूटी सरकारी कर रहे और फ्री खा रहे। आप देख सकते हैं, ये देखिए आवाज, इसमें से आवाज आती हुई लगातार आवाज आ रही है। इधर ही रहो, थोड़ा सा पीछे ही रहो, कुछ नहीं पता कहीं कुछ फटे हुए, देखो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ आप। इसके पीछे भी बस दिखाओ, मैं दिखाऊंगा आपको। और देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी चल रही है, धू धू कर पूरी गाड़ी, नई क्रेटा गाड़ी है लगभग, जैसा कि वो बता रहे थे कि 2018 मॉडल है। और आप अभी देख सकते हैं कि लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद के माध्यम से, आवाज देखिए ब्लास्ट हो रहे हैं और लगातार आवाज आ रही है, और आप सुन सकते हैं आवाज, हो सकता है कि टायर फट रहे हो और टैंक में भी आग लगी होगी। कौन सी गाड़ी है? फायर ब्रिगेड की। इसके पीछे भी एक गाड़ी खड़ी है, दूर खड़ी है, धुआं देखिए आप, पीछे भी गाड़ी खड़ी है, अरे काला गाड़ी खड़ी तो है, धुआं बिल्कुल खाक, गाड़ी खाक हो गई है। वो देखिए पीछे भी एक गाड़ी है, आपको दिखाएंगे इसके पीछे, ये देखिए इसके पीछे भी एक गाड़ी है। ये देखे इसके पीछे भी गाड़ी है एक, जिसको हटा लिया गया है अभी। और मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, यहाँ 112 नंबर गाड़ियां मौके पर पहुंच गई है, फायर ब्रिगेड को भी कॉल कर दिया था। ये देखे किस तरह से इसमें से आवाज आ रही है, पटाखे फूट रहे हैं, इसमें से धमाके हो रहे हैं, और देख सकते हैं पूरी गाड़ी आपके सामने लाइव दिखा रहे हैं आपको, पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई, डीजल गाड़ी है, क्रेटा गाड़ी। और ये देख सकते हैं तमाम भीड़ अनखीर चौक पर, तमाम भीड़ यहाँ मौजूद है। ये देखिए पुलिस मौके पर पहुंची, पर भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इसमें जो तीन लोग सवार थे वो तीनों सही सलामत हैं, तीनों लोग सुरक्षित हैं, किसी को कोई जान माल की हानि नहीं हुई है, लेकिन गाड़ी पूरी तरह से खत्म हो गई। यहाँ भी हाईलाइट करो, पीछे सेंटर को दाम भी है। और आप देख सकते हैं फरीदाबाद, सबसे बड़ी बात ये, पास में पीछे दिखाएं, ये सिलेंडर गोदाम मुश्किल से 20 मीटर की दूरी पर यहाँ सिलेंडर गोदाम भी है। ये देखें इंडियन का सिलेंडर गोदाम है, ट्रक खड़ा है और नीचे तमाम सिलेंडर आप देख सकते हैं, कॉमर्शियल और घरेलू सिलेंडर हैं, भरे भी होंगे कुछ खाली भी होंगे पूरा। अगर और ये देखें आप डिस्टेंस भी देख सकते हैं, मुश्किल से 20 मीटर की दूरी पे होगा, 20 मीटर की दूरी पे ये जो इतनी भयंकर आग लगी है। और यहाँ बगल में सिलेंडर गोदाम भी है, जो एक बहुत बड़ा खतरे का कारण बन सकता है फरीदाबाद। लेकिन आप आग देख रहे हैं अभी कि किस तरह से पुलिस मौके पर पहुँच चुकी है, तमाम भीड़ सड़क के दोनों तरफ, इस तरफ भी और उस तरफ भी, दोनों तरफ तमाम भीड़ एकत्रित है। और अभी फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची नहीं है, जैसा कि बता रहे थे कि फ़ोन कर दिया, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी अभी पहुंची नहीं है। अब देखते हैं, अब आने का टैंकर से, टैंकर वाला भी गया क्या?
टैंकर वाला भी गया? टैंकर वाला इसलिए गया उसका ब्लास्ट हो रहा है क्योंकि उससे तो प्रेशर भी गाड़ी में कुछ बचा नहीं है। गाड़ी में बचा भी नहीं है, गाड़ी के मालिक खुद कह रहे हैं कि अब कोई फायदा नहीं, अब जल जाएगा। यहाँ बगल में गोदाम भी है, गैस का गोदाम। हाँ जी, ये रहा पीछे ही है, जस्ट सिलेंडर के पास। गैस का गोदाम मुश्किल से 20 मीटर की दूरी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो तो गरीमत रही की दूरी पे हुआ। यहाँ उधर नजदीक तो ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता था जी। पूरा ट्रक में अभी खड़ा है। हाँ जी हाँ जी, फायर एक्स भी चलाया सर, फायर एक्स भी चलाया। हम ड्राइवर है इस गाड़ी का जी, इंडियन का। हाँ। दो फायर एक्स चलाया पर आग नहीं कंट्रोल। अपनी गाड़ी में चला सफेद सफेद, ये जो सफेद सफेद वो दिख रहा है। हाँ, हमने चलाया सर। क्या नाम है आपका? दिलीप मंडल। दिलीप जी हैं, और जैसा कि बता रहे हैं इन्होंने कोशिश की है आग बुझाने की, लेकिन फिर भी आग नहीं बुझ पाई और गाड़ी पूरी तरह से जलकर आग हो गई। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।